2024 का आज पहला दिन है और आज ही के दिन इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। 3, 2, 1, 0 के इंडिया ने आज अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है PSLV-C54। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए उनकी कोई ना कोई लॉन्च होती है। सो ऑन 1 जनवरी 2024 येट अनदर सक्सेसफुल मिशन ऑफ PSLV हैज बीन अकम्प्लिश्ड। पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा, अगर इंडिया में हो रहा है तो उसकी क्या वजह है? वजीर आजम कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान में ये वैसे हमारा ना इस डायलॉग से थोड़ा मजाक भी बन जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं ये बात कि हर पाकिस्तानी ये कहता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन नजर कम आता है। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। कंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा? 2 नंबर सियासतदान, 10 नंबरी जमहूरियत। मुल्की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहे। जो लोग तरक्की करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरी है लेकिन कोई आ नहीं रही, लेकिन भारत से हमें जो है वो इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियां मिल। ग्राफिक्स का कमाल है, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज को। नाज़रीन, भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि हम बड़ा मुआवजना करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है, उसके बरक पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगाने की। तो क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? इस तरह की सैटेलाइट क्या पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बात सुने, इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए जरूरत नहीं है। हमारा किसको नहीं पता, ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नजर रखें, क्या जाने किसको नहीं पता। पाकिस्तान का जो अल्लाह माफ कर डिफॉल्टर होते होते बचा, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं इस पे नजर रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार क्या कर रहे हो। हाँ, चाइना का कहा जाए तो हाँ वो एक ताकत अच्छी है, उसके पास सारा कुछ है, उस पर रख सकते हो। पाकिस्तान पर रखने के लिए आपके पास कोई ऐसी वजाहत नहीं है। एक्चुअली हमें पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो आपका इकोनॉमिक जो फैक्टर है, अब आप देखिए कि इंडिया इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी उनकी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जिस कंट्री के पास जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा ह्यूज बजट होगा, वो ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया, वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 किया जो सक्सेसफुल भी हो गया और इस टाइम वो चांद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा AI का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज़ को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि दे वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनके कैरी ऑन कर रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान देखें, एक टाइम था 1960s का जब पाकिस्तान हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया से बहुत आगे था, फिर वहाँ से हमारे पास जो एक लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान डीरेल हुआ है
ओके, इंडिया ने आज PSLV के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की है और ये आज की बात नहीं है, मतलब कभी वो अपना प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो किसी के बायलैटरल तरीके से मतलब दूसरे कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन के साथ, अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने भूटान के साथ मिलकर किया। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं पाकिस्तान की? देखें, इसमें बात की जाए तो अगर आप टैलेंट के हिसाब से देखें ना, तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, हर चीज़ जो है यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि इंडिया ने जितना अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है ना, पाकिस्तान ने आज तक कभी भी नहीं किया। ठीक है, साथ साथ जरा गपशप होगी ना कि हमने डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। इस बात में डिफेंस बजट बहुत ज्यादा, बिल्कुल इस चीज में कोई शक नहीं है कि हमारा डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डिफेंस बजट जिस तरफ जाता है वो तो मतलब हम सब जानते ही हैं। मुझे ये बताएं कि हमें लेट्स सपोज डिफेंस बजट हम ज्यादा रखते हैं किसकी वजह से, हमें खतरा है किससे? खतरा हमें जो है वो दिखाया एक तरीके से, हमारे जहनों में डाला जाता है कि जी खतरा हमें इंडिया से है, गैर मुल्की ताकतों से है। इंडिया मतलब इर्द-गिर्द के हवाले से बात की जाए, बॉर्डर के हवाले से बात की जाए, इंडिया का ही आता है, मतलब कि हमारे इंडिया से खतरा है। अगर इंडिया से लेट्स सपोज खतरा हो तो उनकी टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, आए दिन कोई ना कोई सैटेलाइट, आए ना कोई मतलब डिफेंस के हवाले से वो टेक्नोलॉजी को लॉन्च करते रहते हैं, और पाकिस्तान की डिफेंस की टेक्नोलॉजी देखी जाए या ओवरऑल अगर स्पेस टेक्नोलॉजी देखी जाए, क्या आप समझते हैं कि हम जो दिखाते हैं क्या वाकई हम कम्पीट भी कर पाए? अगर आप नियर फ्यूचर में इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल भी हम कम्पीट नहीं कर सकते जो कि स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं। ठीक है, हो सकता है मे बी के मतलब आने वाले कुछ टाइम में, मतलब 10-15 साल के बाद जो है वो आप हो सकता है कि उम्मीद लगा लें कि इसमें कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी बिल्कुल भी कम्पीट नहीं किया जा सकता। वजह क्या है? वो अगर ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में या अगर वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह है हम नहीं कर रहे, उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, तो क्या वजह? उसकी प्राइमरी वजह यह है कि हमारी एजुकेशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजुकेशन बजट हमारा ना होने के बराबर है। जितना इंडिया का एजुकेशन बजट है ना, वो हमारे कहने को हम डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनका एजुकेशन बजट जो है वो हमारे डिफेंस बजट से भी ज्यादा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे है। दूसरी चीज ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही इन्वॉल्व रखते हैं जितना कि वो पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व रखते हैं, उनपे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में आपके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं वो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उसके अलावा कोई कंपटीटर है ही नहीं। अगर कोई कंपटीटर आने की कोशिश करे तो उसका कोई जो है ना वो निकाल देते हैं उसको कंपटीशन से, या उसको बताऊं रिसेंटली उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी विक्रम के नाम से। ठीक है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया, एक हैरत वाली बात यह कि वो काम जो स्काई रूट कंपनी का नाम था उन्होंने लॉन्च किया, जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज है, वो काम नहीं, पब्लिक सेक्टर नहीं काम कर पा रहे, वो उनके प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। मतलब हम कंपटीशन एक तरफ दिखाते हैं इंडिया के साथ, रियलिटी है, रियलिटी पे बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया के साथ मुकाबला, दूसरी तरफ अगर हम रियलिटी देखते हैं तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है।